इन दिनों चारों ओर नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है और इसी के चलते देवी मंदिरों में माता दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगने लगा है। SW24 न्यूज लेकर आया है आज आपके लिए नवरात्रि पर्व की खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं खरगोन जिले के ग्राम ऊन से संवाददाता दिनेश दसुंदी की विशेष रिपोर्ट। मैं हूं दिनेश दसुंदी और आज नवरात्रि विशेष में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऊन के देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर की एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें इस मंदिर से जुड़ी अवधारणाओं, मान्यताओं और इतिहास से जुड़ी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यहाँ के लोगों और रहवासियों से जानकारी लेंगे। उसके पहले आइए देखते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट। खरगोन जिले का ऊन गांव वैसे तो अपनी पुरातन धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, किंतु यहां के देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर ने इसे धार्मिक तौर पर प्रदेश भर में विशेष पहचान दिला रखी है। यहां जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वापर कालीन गुफा मंदिर के अंदर माता महालक्ष्मी जी पिंडी के रूप में विराजमान है, जिन्हें अति चमत्कारी माना जाता है। श्री महालक्ष्मी मंदिर को अति चमत्कारी माना जाता रहा है और ऐसी मान्यता रही कि यहाँ जो भी मन्नतें ली जाती है पूरी हो जाती है, इसीलिए दूर दूर से लोग माता के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। आप कहाँ से आए? हम डोगर गांव से आए हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर। कितने सालों से आ रहे हैं? हम यहाँ कम से कम 10-12 सालों से आ रहे हैं। यहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जो नवरात्रि में हर वर्ष यहाँ नए नए कार्यक्रम वगैरह होते हैं और यहाँ जो मनोकामना आपकी प्राचीन मंदिर है और जो यहाँ मनोकामना वगैरह जो मांगते हैं वह माँ हमारी पूरी करती है और हम बड़े चाव से और बड़े उत्साह के साथ आते हैं। यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं और प्रसादी वितरण वगैरह जो भी श्रद्धालु जो कि जिनकी इच्छा मान्यता पूरी हो जाती है और अपने से जो बनता है वो करते हैं। और ये बहुत पुराना और प्राचीनतम मंदिर है और है ना, हर लोग बड़ी उससे उत्साह से आते हैं और सबकी मनोकामना सबकी इच्छा माँ लक्ष्मी पूरी करती है। मान्यता है कि यहाँ माता के दिन में 3 स्वरूपों में दर्शन होते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रियों में माता के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता रहा है तथा इन दिनों शारदीय नवरात्रि के चलते यहाँ होने वाली प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन दोनों आरतियों में दूर दूर से श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। हम मौजूद हैं ऊन के ऐतिहासिक पौराणिक देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर में, जो कि द्वापरकालीन बताया जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर के अंदर गुफा के अंदर देवी श्री महालक्ष्मी विराजमान है, जो भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती है और दूर दूर से लोग माता के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। आप कहाँ से हैं? मनावर से हैं। आपको यहाँ के मंदिर के बारे में कैसे जानकारी लगी? ये मंदिर के बारे में ऐसी जानकारी लगी, बहुत प्राचीन मंदिर और काफी मंदिर है, इस कारण हम मनावर से यहाँ दर्शन किए। अच्छा, इसके पहले आप कभी आए हैं? नहीं, ये भैया पहली बार दर्शन के लिए आए हैं और एक श्रद्धालु हमारे बीच है, उनसे बात करते हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, द्वापरकालीन है, इसके इतिहास के बारे में आप कुछ बताएं? इतिहास के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हमारे भी ये कुल देवी ऐसा, मतलब हमारे पूर्वज कहता है कि हमारे कुल देवी है ये और महालक्ष्मी है। हर साल साल में 1-2 बार तो हम लोग सभी आते हैं परिवार के साथ और माता रानी के दर्शन करते हैं और आस्था रखते हैं कि बस माता रानी हमारी सब मनोकामना पूर्ण करती है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, भटोरे, मैं धर्मपुर से आया हूँ। ये भैया धर्मपुरी से यहाँ दर्शन करने के लिए धार जिले में आता है धर्मपुरी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोगों ने पता किया है तो इस मंदिर का इतिहास ही बताया जाता है कि 1940 के दशकों में यहाँ के ग्वालों ने इस मंदिर को पहली बार देखा था और यहाँ के ग्वाले इस मंदिर में 8 दिन में एक बार आकर पूजा किया करते थे। आज ये आस्था का मंदिर पूरे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का आस्था का केंद्र बन चुका है। पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते रहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाअष्टमी पर्व पर विशेष हवन का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश भर से आए माता के भक्त शामिल होते हैं। यह मंदिर अति प्राचीन होकर अपने अंदर कई तरह की प्रतिमाओं को समेटे हुए हैं। महालक्ष्मी मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंतियाँ और अवधारणाएं बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता महालक्ष्मी की इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल नामक राजा उनसे विवाह करने आया था और माता ने यहीं पे उसका वध किया था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे साथ मंदिर कमेटी से जुड़े हुए पुष्पेंद्र मंडलोई जी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं शिशुपाल वध को लेकर किस तरह की कथा है। यहाँ पर बताया जाता है कि शिशुपाल नाम के राजा जो कि विवाह करने के लिए अपने आए थे और अपनी मर्जी के खिलाफ उन्होंने विवाह कर रहे थे, तो माता ने अपने रौद्र रूप धारण कर क्रोध में आकर उनका वध कर दिया था, जो कि आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। शिशुपाल की वध की हुई जो आज भी खंडित मूर्ति यहाँ पर विराजमान है
जो आपको देखने को मिलेगी मंदिर के पार्श्व भाग में, देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर के पार्श्व भाग में। क्या नाम है आपका मंदिर की? तो ये थी हमारी नवरात्रि पर उनसे दिनेश दसौंधी की विशेष रिपोर्ट। मंदिर को जोड़कर एक की बंदती और कही जाती है कि यहाँ के पीछे, यहाँ से पीछे आधा किलोमीटर की दूरी पर नारायण कुंड के अंदर देवी श्री महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। इसको भी लेकर इसकी एक किंवदंती एक कथा है और इसके साक्ष्य के रूप में मंडप और हाथी के पेड़ों के निशान आज भी नारायणपुर पर देखे जा सकते हैं। इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। देवी श्री महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का विवाह यहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारायण कुंड है, वहाँ पर हुआ है। और आज भी विवाह मंडप के जो चार खंभों के जो चिन्ह हैं वो और हाथियों के पैरों के निशान वहाँ पर देखे जा सकते हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ आज भी उस विवाह के साक्ष्य के रूप में मंडप और हाथियों के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। एक तरह से ही देखा जाए तो ये मंदिर ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक महत्वता को भी रखता है और धार्मिक महत्व में भी पौराणिक गाथाओं को रखता है। ऊन से दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।